बैंक संबंधी विभिन्न व्यवहार का जनरल लेखा। जब हम बैंक में नगद रुपए जमा करते हैं तो क्योंकि बैंक के पास ये पैसे जाते हैं तो बैंक खाता डेबिट होता है और हमारे पास से रोकड़ जाती है इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट होता है। तो यहाँ जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन अकाउंट। सेकेंड, जब बैंक में चेक जमा करते हैं डिपॉजिटिंग द चेक इन बैंक। जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, एक जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जमा हुआ और दूसरा जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ यानी केवल प्राप्त हुआ। चेक जिस दिन प्राप्त हुआ अगर उसी दिन बैंक में जमा हो जाता है तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अगर सिर्फ चेक प्राप्त हुआ है बैंक में जमा नहीं हुआ है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उस दिन अगर बैंक में जमा हो गया तो यहां पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा, चेक द्वारा रुपए निकालना अथवा चेक द्वारा भुगतान करना विड्रॉल फ्रॉम बैंक और पेमेंट बाय चेक। जब हम व्यापारिक कार्य के लिए चेक के द्वारा पैसे निकालते हैं तो वहां पर हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर निजी प्रयोग के लिए यही पैसा बैंक से निकाला जाता है तो वो ड्रॉइंग मान लिया जाएगा और यहाँ पर हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार अगर चेक द्वारा किसी तरह के व्यय का भुगतान किया जाता है तो हम उस व्यय को डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में हम बैंक खाता लिखेंगे यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह चेक द्वारा माल या संपत्ति के क्रय करने पर हम एंट्री करेंगे। अगर माल क्रय किए हैं तो हम एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और अगर हमने चेक के द्वारा कोई संपत्ति क्रय की है तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ, हम देखते हैं बैंक से लोन लेने पर। जब हम बैंक से लोन लेंगे तो दो तरह की कंडीशंस यहाँ पर बनेंगे, एक तो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में और दूसरा लोन की कंडीशन में, कैश लोन की कंडीशन में। ओवरड्राफ्ट की सुविधा अगर प्राप्त है और उस कंडीशन में हम लोन ले रहे हैं तो यहाँ हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्योंकि इस कंडीशन में जो व्यापारी होता है उसे अपने खाते में जमा राशि से भी अधिक राशि निकालने की सुविधा दी जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब व्यापारी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक द्वारा व्यापारी को निर्धारित जो नियम है उनके अंतर्गत अगर लोन उपलब्ध कराया गया है तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फिफ्थ, अगर प्राप्त चेक का बेचान कर दिया जाए, इंड्रोजिंग कर दी जाए इसकी, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करते हैं जब व्यापारी अपने ग्राहक या ऋणी से किसी भुगतान में चेक प्राप्त करता है और उस चेक को वो अपने अकाउंट में जमा नहीं करता बल्कि अपने ही किसी लेनदार या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उस चेक का बेचान कर देता है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा था 1,000 रुपए का और बी ने ए को चेक दिया था 1,000 रुपए का। अब यहाँ पर ए ने इस चेक को जमा नहीं किया बैंक में बल्कि ए जो है वो सी से 1,000 रुपए का माल क्रय करता है और बी के द्वारा उसको 1,000 रुपए का चेक जो दिया गया था वो सी को इंड्रोस कर देता है, सी के नाम से वो बेचान कर देता है। तो इसे कहते हैं चेक का बेचान करना और ऐसी कंडीशन में व्यापारी उस लेनदार यानी कि चेक पाने वाले के खाते के नाम को डेबिट करता है और चेक देने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते को क्रेडिट यानी कि समाकलित कर देता है। सिक्स्थ, बैंक में जमा किए गए चेक का अनादरण हो जाने पर। अनादरण की कंडीशन में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है कि किस चेक का अनादरण हो रहा है। यदि बैंक में जमा किया गया चेक अनादरित हो रहा है तो इस कंडीशन में बैंक उस चेक का रुपया देने से इनकार कर देता है और चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर चेक देने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते को डेबिट करता है और बैंक खाते को यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है।
एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, सोहन का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। सोहन ने एक चेक जमा किया था और अब वो अप्रतिष्ठित हो गया, तो इस कंडीशन में यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेवेंथ कंडीशन में अगर केवल जारी चेक अप्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि चेक इश्यू किया गया था लेकिन बैंक में जमा नहीं किया गया और उसके पहले वो डिसऑनर्ड हो जाता है, अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस व्यक्ति को वो चेक जारी किया गया था उस व्यक्ति के नाम को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। एट, हम देखते हैं कि बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूल किया गया। अब क्योंकि बैंक अपने ग्राहक के लिए जो भी सेवाएं प्रदान करता है उसके बदले में वो शुल्क लेता है, जिसे हम बैंक चार्जेस या बैंक व्यय कहते हैं। अब बैंक से किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर जब भी अगर कोई बैंक व्यय होता है तो इस कंडीशन में आप बैंक व्यय खाते को डेबिट करते हैं और बैंक खाते को समाकलित यानी कि क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ग्राहक द्वारा बैंक को अलग से बैंक व्यय का भुगतान नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसका जो अकाउंट होता है बैंक में उसी में से वो बैंक व्यय की राशि डिडक्ट कर ली जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज लेने पर, बैंक जब ग्राहक की जमा राशि पर ब्याज प्रदान करता है तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक खाता डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज है वो हमको प्राप्त होता है इसलिए अपने अकाउंट में हम इंटरेस्ट जो अकाउंट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज लगाने पर, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है और उस लोन पर बैंक ब्याज लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक संबंधी कुछ प्रविष्टियों को एक उदाहरण से हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले प्रविष्टि की जाएगी 10,000 रुपए बैंक में जमा किए गए, यहाँ पर हमारी पंजी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 से। दूसरा, सोहन को माल बेचा, यहाँ पर क्योंकि सोहन को केवल माल बेचा के जानकारी दी गई है, कैश सेल किया है कि क्रेडिट ये नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल एंट्री करेंगे सोहन डेबिट टू सेल्स 5,000 से। और नेक्स्ट डे पर सोहन से चेक प्राप्त हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ चेक प्राप्त हुआ है, हमने इसको बैंक में जमा नहीं किया है, तो केवल अगर चेक प्राप्त होता है तो कैश सेल की तरह हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। और नेक्स्ट डे पर ये जो सोहन का चेक प्राप्त किया गया था उसे बैंक में जमा किया जा रहा है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 से। मोहन को माल बेचा, वह चेक प्राप्त हुआ, उसे बैंक में जमा किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम डे जो चेक मिल रहा है वो बैंक में जमा हो जा रहा है, तो जिस दिन चेक मिलता है अगर उसी दिन वो डायरेक्ट बैंक में जमा हो जाता है तो यहाँ पर हमारी जनरल बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट और 6,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बैंक से कुछ कैश निकाले हैं, कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो 2,000 हम विड्रॉल किए हैं ये हम अपने व्यापारिक व्यय के लिए हमने इसको विड्रॉल किया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मली कैश से जो पैसे निकालने की जो हम एंट्री करते हैं वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से, तो क्योंकि निजी प्रयोग के लिए हमने निकाला है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कैश डेबिट ना करके ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्योंकि बैंक से अमाउंट निकली है तो यहाँ पर क्रेडिट में हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 1,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वेतन जो है चेक से दिया गया, सैलरी हम चेक से पे कर रहे हैं, तो क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस अकाउंट हमको यहाँ पर डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट में हम टू कैश ना लिखकर टू बैंक लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर चेक से पेमेंट किया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000।
नेक्स्ट हमने एक फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर एक एसेट्स है और ये हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर एसेट्स अकाउंट है तो डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्नीचर कैश परचेस किया है लेकिन अमाउंट जो है वो बैंक चेक के द्वारा हमने दी है, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 से। नेक्स्ट माल खरीदा व चेक से भुगतान किया, तो क्योंकि यहाँ पर हमने माल खरीदा है लेकिन भुगतान चेक से किया है, और दूसरी बात हम माल नगद खरीदे या उधार खरीदे या कैश से भुगतान करें या चेक से, हर कंडीशन में क्योंकि माल हमारे पास आ रहा है इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, और हमको फिर ये देखना है कि हमने कैश पेमेंट किया है या फिर चेक पेमेंट किया है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने चेक पेमेंट किया है तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और 5000 हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक से अधिविकर्ष पर ऋण लिया, हमने देखा था कि ऋण दो प्रकार से हम ले सकते हैं, अधिविकर्ष पर और नगद साख पर, तो जब हम अधिविकर्ष पर ऋण लेते हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये एक तरह का विड्रॉल ही माना जाता है, तो यहाँ विड्रॉल की हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और 3000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नगद साख के आधार पर ऋण लिया गया है, तो अगर ये एक प्रकार का लोन ही माना जाएगा और इस पे जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि राम को माल बेचा, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल है ये। नेक्स्ट डेट पे राम से हमको चेक प्राप्त हो रहा है, तो क्योंकि चेक अब हमको सिर्फ प्राप्त हो रहा है, अभी तक हमने इसको बैंक में जमा नहीं किया है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और अब हम इसको राम का जो चेक था वो शाम को हम बेचान कर दे रहे हैं, इंड्रोस कर दे रहे हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शाम डेबिट टू कैश। मोहन से प्राप्त चेक अनादृत हो गया, हमने देखा था कि फिफ्थ स्टेप में हमने मोहन को माल बेचा था और एक चेक मिला था हमको 6000 का, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब अनादरण की बात आती है तो हमको दो चीजों को ध्यान में रखना होगा कि क्या वो चेक सिर्फ निर्गमित था या दूसरा वो चेक जमा किया जा चुका था, तो क्योंकि प्रश्न में हम देख रहे हैं कि वो चेक जमा किया जा चुका था, तो अगर बैंक में जमा किया गया चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, अनादृत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करते हैं मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस व्यक्ति ने जमा किया था उसको हम डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीरा को निर्गमित चेक अनादृत हो गया, अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो चेक जो मीरा को सिर्फ निर्गमित किया गया था, बैंक में जमा नहीं किया गया था, वो डिसऑनर्ड हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मीरा। बैंक ने बैंक वे लगाए, 50 रुपीज बैंक वे लगाए, तो हमने देखा था कि बैंक जब बैंक वे चार्ज करता है, बैंक चार्ज लगाता है, तो अलग से हमको उसको कोई पैसे नहीं देने होते, हमारे पास जो बैंक अकाउंट होता है उसमें से ही वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 50 रुपीज से इसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक से ब्याज प्राप्त 100 रुपीज, यहाँ पर हमको क्योंकि ब्याज प्राप्त हो रहा है, हमारी इनकम है, इसलिए यहाँ पर हमको इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हमको यहाँ पर क्रेडिट करना होगा, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपीज से। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज, हमने बैंक से जो ऋण लिया है उस पर बैंक अगर ब्याज लगाता है तो क्योंकि ये खर्च है हमको लिए गए ऋण पर ब्याज देना पड़ता है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार पूरे लेखांकन की प्रक्रिया में अलग अलग तरह के व्यवहारों को हम अलग अलग तरह से हल करते हैं, कई तरह के मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट्टे के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार हम सबसे पहले व्यापारिक बट्टा और फिर नगद बट्टे की कैलकुलेशन करते हैं, किसकी प्रविष्टि की जाती है किसकी नहीं की जाती है, ये सारे जो नियम है ये लेखांकन नियमों के अंतर्गत आते हैं। अब जबकि हमने पंजी प्रविष्टियों को बहुत अच्छे से जान लिया है, तो इन प्रविष्टियों के बाद जब जनरल को हम लेजर पोस्टिंग तक ले जाते हैं, यानी कि जो पंजी प्रविष्टियां होती हैं उनको खाता बही में खतौनी करते हैं, तो किन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम खतौनी के कार्य को करते हैं ये हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में।